गाइस दिन ब दिन ऐसी गेम्स का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है जिनमें सिंगल प्लेयर यानी कैंपेन मोड के साथ साथ मल्टीप्लेयर भी देखने को मिलता है। कल ऐसी ही एक गेम की लाइव स्ट्रीम हमने अपने चैनल नमोगा गेमिंग वर्ल्ड पे की थी। गेम का नाम है डूम इटरनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज इसी गेम का हम रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या आपको ये गेम परचेस करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। तो नोनी जी, क्या स्टोरी है गेम की? राहुल जी, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग हमें कमेंट करते हैं, अरे भाई एक दिन में गेम खेल के कैसे पता लगा लिया, अरे भाई ये वो। तो गाइस, इस तरह का कुछ भी मत सोचना। गेम खेलने में मैं बोल रही हूँ, 1-2 घंटे गेम खेलकर इजीली पता लग जाता है कि कोई गेम उसका लेवल क्या होना चाहिए, अप टू विच एक्सटेंट उन्होंने डेवलप की है, उसके अंदर क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, स्पेशलिटीज है, जिसकी वजह से आप परचेज करें। तो गाइस, ये राहुल जी इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, बचपन से इन्होंने गेमिंग की है। कहते हैं ना, एक इंसान किसी चीज़ का डॉक्टर बन चुका है, उसी हिसाब से है ये। तो दोस्तों देखिए, मैं कैंपेन गेम्स ही खेलता हूँ शुरू से, और ये बात बिल्कुल नोनी जी ने जैसा कहा है कि 1 या 2 घंटा आप कोई भी गेम खेलेंगे, जैसे कंपनी डेमो देती है, तो अब डेमो से वो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को इंसिस्ट करती है कि आप इससे जज करो कि आपको ये गेम परचेज करनी चाहिए या नहीं। अब आप कहोगे यार, आधे घंटे की डेमो से हम कैसे जज कर लेंगे? तो ऐसा नहीं होता। पता चल जाता है गेम प्ले के बारे में कि हमें किस तरह का एनवायरमेंट देखने को मिलेगा, और मैंने तो पूरे 2 से 2.5 घंटा वो गेम खेली है, तो मुझे अच्छे से पता चल गया कि डूम इटरनल की जो स्टोरी है, गेम प्ले, ग्राफिक्स वगैरह क्या है उस गेम के, और आपको उस गेम में इतने पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो नोनी जी, स्टोरी बताइए सबसे पहले आप। राहुल जी, इसके अंदर स्टोरी वैसे बेसिकली अगर हम विकिपीडिया के हिसाब से देखें तो बोला है कुछ हेल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो धरती पर अटैक कर देते हैं, और यहाँ की कुछ स्पेशल फोर्सेस जो होती हैं वो उनसे, उनको मतलब उन अटैकर से लड़ती हैं हेल के एलिमेंट्स को भगाने में धरती को, क्योंकि फ्री करना है। वो लोग अब इन्फेक्टेड हैं, कुछ जॉम्बीज वगैरह, कुछ वायरस जैसे क्रिएट हो जाते हैं वैसे एनवायरमेंट फैलाने के लिए, उनका कोई ऐसे नेगेटिव पर्पस है तो वो खत्म करना। और मैंने गेम प्ले में भी देखा यार, कॉन्टिन्यूसली वही करना है, टक 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 मारते रहो गेम, डिफिकल्टी लेवल की जैसे हमें देखी है हमें। राहुल जी, आप क्या कहेंगे? देखिए नोनी जी, जब चैप्टर 1 में खेल रहा था तो उसमें उसका टाइटल भी आया था हेल ऑन अर्थ, तो यानी कि धरती पर जो नर्क है, मतलब अगर हिंदी ट्रांसलेशन, धरती पर नर्क बन गया मतलब एक तरह से, क्योंकि वो लोग आ गए थे। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर स्टोरी की बात करें तो दोस्तों, स्टोरी से हम कहीं भी फिजिकली या इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं खुद को, कि हम ये कहें कि हम खुद को वहां पर महसूस करें कि हम उस स्टोरी में कनेक्ट हैं। या तो कोई भी कैंपेन वाली गेम में एक इमोशंस जैसे डालने चाहिए, किसी से कनेक्टिविटी कुछ नहीं फील हो रहा यार, बिल्कुल स्टोरी में बोल रहा हूँ कहा कुछ है, पता नहीं दे क्या रहे। नहीं नहीं नोनी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहा कुछ है और दे कुछ रहे हैं। डूम की जो जिन्होंने पहली सीरीज खेली है उन्हें अच्छे से पता है कि डूम की कहानी क्या होती है या उसका गेम प्ले कैसा होने वाला है, तो यहाँ पर वो गेम अपने आप को जस्टिफाई करती है। अब मैं आता हूँ गेम प्ले पर। तो गेम प्ले जितना मैंने खेला स्टार्टिंग से एंड तक, तो अभी तक वो गेम में आपका पूरा इंटरेस्ट बनाए रखता है। जिन्हें भी गेम प्ले अच्छा लगता है गेम में, और जो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते कि हमें पजल सोल्व करनी पड़ेगी, अब ये करना पड़ेगा, हमें कहानी में मतलब स्टोरी में सिनेमेटिक बहुत लंबा लंबा देखना पसंद नहीं है, तो ये गेम उन लोगों को पसंद जरूर आएगी, क्योंकि जो गेम प्ले ही पसंद करते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूं कि जिसने मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मारते रहना, लेकिन जिस तरह से इसके अंदर ब्रूटैलिटी दिखा रखी है और कहीं भी आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, मतलब गेम प्ले बहुत फास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि एक टाइम तक तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आपको वो भी है ना, इरिटेशन बन जाता है आपके लिए। एक इरिटेशन होने लगती है कि यार कुछ तो ऐसा दो ना कि जो हम स्टोरी से भी कनेक्ट कर पाए। बार बार जैसे दोस्तों एनिमीज आए जा रहे थे इसमें अलग अलग टाइप के, और इसमें एक वो काटने के लिए कटर भी था, दूसरे को पकड़ा और उसको स्क्वायर से काट दिया ये, और बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स भी मिल रहे थे, वेपन्स काफी अच्छे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता, राहुल जी का अपना व्यू पॉइंट है, मेरे हिसाब से स्टोरी बिल्कुल कनेक्ट होने वाली नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कोई इमोशनली किसी भी तरह से आप उससे अटैच। देखिए नोनी जी, ये बात मैं कह ही चुका हूँ ना, क्योंकि स्टोरी जो स्टोरी लवर है, देखिए गेम में 2 तरह की गेम पसंद करते हैं गेमर्स, एक तो होता है जिन्हें कैंपेन गेम पसंद आती है स्टोरी के साथ, जैसे गॉड ऑफ वॉर, हम अनचार्टेड, लास्ट ऑफ अस जैसे कह सकते हैं। बात करें उसके अंदर भी राहुल जी ज़ॉम्बीज़ थे, मारा भी, गेम प्ले भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक कनेक्टिविटी दिखा दी ना उन्होंने। नहीं नहीं नोनी जी, देखिए लास्ट ऑफ अस का तो कोई एग्जांपल बनता ही नहीं यहाँ पर, लेकिन आप ये समझकर चलिए जितनी भी गेम कैंपेन गेम्स को जो कहा जाता है, वो यही कहा जाता है कि स्टोरी के साथ गेम प्ले मूव होगा, पर यहाँ पर जो गेम प्ले है वो हावी है स्टोरी पर। ग्राफिक्स की बात करें तो मुझे लगता है दोस्तों, आजकल का एनवायरनमेंट यानी गेमिंग से कंसर्न, जितना गेम्स एडवांसमेंट लेवल पर पहुंच गई हैं, तो इस लेवल के ग्राफिक्स होने ही चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सरप्राइज्ड वे भी मिलता है, अच्छे ग्राफिक्स से सेटिस्फैक्टरी है, सबको पसंद आने वाले हैं। बिल्कुल। और नोनी जी, यहाँ पर मैं वेपन्स की बात भी करना चाहूंगा कि जो गेम प्ले में आपका इंटरेस्ट बने कैसे रहता है, तो यहाँ पर देखो आपको डैमेज तो बहुत सारे मिलते हैं, एनिमीज बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वेपन्स आपका टाइम टू टाइम अपग्रेड भी होता है, वहां पर कई तरह के वेरियंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप मतलब अपने अप डाउन बटन का यूज करके बहुत अच्छे से उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं,
तो ओवरऑल गेम प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम बहुत अच्छी है, और मैं इस गेम को जो रेटिंग देना चाहूंगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही देना चाहूंगा कि 10 में से 7.5 ही गेम डिजर्व करती है। और 3.5 नंबर जो इस गेम के मैं काट रहा हूँ वो इसी वजह से, एक तो ये स्टोरी से कनेक्ट नहीं करती है गेम, दूसरी बात ये कि गेम रिपीटेटिव है कहीं ना कहीं गेम प्ले जो है, ऐसा नहीं आप कहोगे कि हमें आपको हर बार कुछ नया मिल रहा है, वेपन्स आप अलग अलग तरह के यूज कर सकते हो, ये बात सच है, लेकिन एनिमीज वही है मार रहा वही जो आपके पास। और नोनी जी यहाँ पर एक डिमेरिट प्राइस को लेकर भी है, क्योंकि गेम का एमआरपी जैसे 4000 रुपए 3600 रुपीज की गेम हमें मिली है समुराई कॉर्नर से, उसी तरह से ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो 4000 रुपए एमआरपी पे गेम कोई भी परचेज करेगा, जिसका प्राइस मुझे लगता है अब तो 3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। बाकी आपको क्या लगता है प्राइस? बेथेस्डा ने शॉर्टेज दिखा दी पहले इस गेम के लिए, बेथेस्डा की देखो जो मतलब स्ट्रेटेजी क्या रही, मार्केट स्ट्रेटेजी उसने ऐसे नहीं, नोनी जी ये बेथेस्डा की तरफ से नहीं हुआ, एक्चुअली क्या कोरोना वायरस की वजह से जो फिजिकल डिस्क जो पीछे से भी कंपनी ने करा है, मैंने शॉपकीपर से भी बात करी थी, उन्होंने शॉर्टेज दिखाई है, क्या पता उनका पहले टाइटल पता नहीं चला नहीं चला, मुझे लगता है 2500 इसका ऑप्टिमाइज प्राइस होना चाहिए, जिस हिसाब से आपने गेम प्ले एक तरह से कॉपी टाइप में था कि काफी गेम्स में। और वैसे वैसे नोनी जी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी व्यूअर्स है इस गेम को खेलना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कलेक्शन में रखो इस गेम को, और जो लोग रेजिडेंट एविल 3 या डूम इटर्नल में कंफ्यूज हो रहे हो कि हम ये गेम लें या उसके लिए वेट करें, तो बिल्कुल आपको उसके लिए वेट करना चाहिए जो भी स्टोरी लवर है, और जो जिन्होंने पहले डूम सीरीज खेली है और जो डूम सीरीज के फैन है वो इस गेम को परचेज करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन आप जब रेजिडेंट एविल 3 खेलने जाएंगे तो इस गेम को एक्सचेंज करा सकते हैं, तो आपका नुकसान भी नहीं होगा और आप 500-700 रुपए में इस गेम को खेल भी पाएंगे, तो यही सबसे अच्छा, हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे, यही सबसे बेटर ऑप्शन है। फ्रेंड्स के साथ खेलो मल्टीप्लेयर, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, मल्टीप्लेयर में नोनी जी यही होगा कि ऑनलाइन अगर आईडी लेते भी है तो 2000 रुपए तो पर पर्सन को फिर भी लगाने होंगे ना, अगर दो लोगों में भी शेयर होगी तो मुझे लगता है कि गेम तो कलेक्शन में रखने वाली नहीं है हम भी, क्योंकि दोस्तों फिजिकल डिस्क में जैसे परचेस किए रेजिडेंट इविल 3 के टाइम पर हम ये गेम को एक्सचेंज करा लेंगे, तो उसी तरह से शायद आपको भी करना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप डूम इटर्नल को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, आज भी हम इस गेम की लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं तो गेम प्ले के हिसाब से गेम अच्छी है मैं फिर भी यही कहूंगा, तो इसकी चीज के लिए आप ये मत कहिएगा कि आपने कम रेटिंग दी है आईजीएन ने तो इतनी दी है, तो देखिए सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने भी आपसे बता रहे हैं आपको। बाकी वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।